सरकार क्या कर रहे हो आप लोग, कितना खतरनाक रास्ता है भाई। गया गया गया। अरे ये लाइन का उधर है ना सबोर। बाप रे बाप, बाइक लगाने का विचार। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोगों को पता है विक्रम शिला ऐसी होके जाएगा? मैप तो यहाँ मेरे को ला दिया है, इसलिए कंफ्यूजन में हम। इधर से जाएगा। ये लाइन का उधर है ना सबोर। हाँ। ये बस मुखी बदरी वाली था ना। हाँ हाँ। उसी के बस वही वाला। ये मैप मेरे को बार बार इधर घुसाया जा रहा है। नहीं नहीं, इधर इधर से कैसे जाएगा? मैप आगे दिखा रहा है बट क्या ना कि दो गली यहाँ दिखाया, ठीक है? ये वाला से निकल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इससे नहीं। पीछे जो एक रास्ता था ये क्या है? क्या कीजिए, सबूर का जो लाइन पट्टी है ना वो। और जहाँ से ये आते हैं एक रास्ता इधर आता है, एक उधर रास्ता उधर जाते हैं। यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर दिखेगा यहाँ पर। सही मंदिर दिखेगा, पांच मंजिला है। हाँ हाँ, इधर से जाइएगा ना सीधा। ओके 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 ओके, ये लाइन जो टपी है ना सीधा जाइएगा ना, सीधा मंदिर दिखेगा, बस वही वाला रोड ढो लीजिएगा, आप पहुंच जाएंगे। थैंक यू। मेरे को मैप तभी से पगला रहा है, बार बार रास्ता इधर बता रहा है, इधर सारा दिवाली है। ओके ओके थैंक यू। की कर दो मैप, तू की कर दो, मेरे को किधर किधर घुसा रहा यार। अच्छा वो वाला जो मंदिर है, अच्छा तो उधर से चल रहे हैं, वही तो मैं सोचूं। मतलब रास्ता नहीं, बार बार तभी से मेरे को ऐसा गली में घुसा रहा था, वहाँ गली है ही नहीं भाई साहब। मैप को भी समझना कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है भाई। क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो भाई देख रहे हो, मैप से जाना भी इतना आसान नहीं होता है भाई। मतलब ओह, अरे यार ये क्या नया चीज है भाई। भाई साहब पूरा पानी ही पानी है, अब जाना किधर है? अरे अरे भाई 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 भाई, गया गया गया। अरे भैंस की टांग, गया भाई, जूता गया, जूता गया मेरा, जूता गया। कभी से बस घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। इधर जा रहा हूँ तो बोल रहा है उधर जाने, उधर जा रहा हूँ तो बोल रहा है इधर जाने। के हिसाब से पंचमुखी मंदिर तो यहीं बोला गया, ये रहा। अब यहाँ से चलना है अपन को लेफ्ट, लेफ्ट नहीं सॉरी राइट। ओके, मेन क्या था ना कि ढाला पार करने में दिक्कत हो रहा था, तो वो चीज़ पार कर चुके हैं। अब तो सही दिखा रहा है मैप, ये सड़क जो है सीधे मेरे को ले जाएगा विक्रमशिला। तो चलिए सीधे पहुंचते हैं विक्रमशिला में। ये रास्ता कितना खतरनाक रास्ता है भाई। मैं कितना देर से बस 20-15 चला रहा हूँ, धूल तो इतना उड़ रहा है ना रास्ते में भाई। अगर गलती से ट्रक आ जा रही है ना तो पूरा ऐसा लग रहा है ना कि कुहासा के बदला धूल ही धूल दिखता है। देख रहे हो भाई, ये रास्ते से अभी कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर इस रास्ते पर दूरी जाना है भाई। मेरे को लगा था 11 बजे तक मैं विक्रमशिला पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी 10:46 हुआ है और अभी और एक घंटा और लग सकता है। आई थिंक 12 बजे तक मैं पहुंचूंगा, तो फिर और क्या। चलो कोई बात नहीं, अब जब रास्ता चुने हैं ये वाला तो अब तो सफ़र करना है। ये ऑफ रोड का फील दे रहा है,
आगे ऑफ रोडिंग करेंगे तो उसके लिए एक्सपीरियंस अच्छा भी बनेगा। तो ये चीज़ है भाई, देख रहा है कि ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, तो भाई हम लोग का चलते रहता है भाई। अबे भाई साहब देख रहे भाई, एकदम धूल ही धूल, धूल ही धूल। ये तो कुछ नहीं है भाई, पीछे तो इतना धूल उड़ाया है, इतना धूल उड़ाया भाई। देख जैकेट पर देखोगे ना भाई, देख लो भाई, एक मिनट दिखाता हूँ, दिखाता हूँ भाई, देखो भाई एकदम इस पे ना पूरा धूल जम चुका है। ये हैंड ग्लव्स और पूरा देख लो भाई, पूरा धूल धूल, पूरा धूल हो चुका है, देख रहे हो। कितना बज गया, 11:50 और विक्रमशिला खंडर इधर जाने को बोल रहा है। चलिए चलते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो भाई काफ़ी जर्जर रोड था भाई, आने में इतना परेशान हुए, इतना परेशान हुए हैं कि क्या ही बताएं। अब इतना गंदा रोड था, मतलब कार्य प्रगति पे है, मतलब रोड बनने वाला है, बन रहा है, इसकी वजह से रोड का हालत जो है ना काफ़ी भाई साहब ख़राब है। भाई साहब अभी एक मैप बता रहा था, पता है किसों का, ओ वो वाला मतलब अजीब रास्ता, देखो भाई साहब सच में इधर ही है क्या, इतना खंडर सा जगह जाने के लिए। भाई साहब सरकार क्या कर रहे हो आप लोग, कम से कम इसे तो सही कराओ इतने। अरे यार इतना अच्छा जगह, हमारा गौरवशाली जगह है, जिसे पढ़ के देख के अंदर से जो है ना क्या बोले उसको, खुशी और वर्ड नहीं मैं चुन पा रहा हूँ, वो फील होता है कि हाँ हमारा भी गौरवशाली कुछ है ऐसा। तो अभी अपना क्या विक्रमशिला, पहले तो टिकट काउंटर पर जा रहे हैं, टिकट लिया जाएगा, उसके बाद फिर बाप रे बाप, बाइक लगाने का भी चार्ज है। हाँ कैमरा का मतलब हेलमेट का कितना लग रहा है? हेलमेट अलग आता है, कैमरा अलग आता है। कितना लग रहा है? कैमरा लीजिएगा तो वही 40,000। R15 M। टिकट और बाइक भी है, बाइक का भी लेते हैं क्या? बाइक का अच्छा, बाहर आदमी है, अच्छा अच्छा एक टिकट, हाँ एक टिकट। 25 चेंज तो नहीं है भैया, 50 होगा, 5 रुपया होगा तब तो। नहीं आप तीसरी काट लीजिए, आप तीसरी काट लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, थैंक यू भैया, ओ 5 रुपया चेंज था, थैंक यू। पार्किंग आप काट रहे हैं, कितना दिया था? 20 करना, हाँ 20 दिए थे। थैंक यू भैया। हाँ गेट से तो अंदर आ चुके हैं, अब बारी है आप लोगों को बताने की और दिखाने की। तो पहले हम लोग इसमें चलेंगे, पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनका एक क्लिप बनाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, फिर आगे निकलेंगे। तो पहले ना भाई साहब धूल से भरा हुआ हूँ, तो इसे साफ किया जाए, है ना।